कितने तारीख को आए, कितनी सैलरी है, और ये सऊदी का घर कैसा है, सही है नहीं है, और कितनी ड्यूटी है, और यहाँ अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, पूरा कंप्लीट आपसे सवाल है। ये नाश्ता रेडी है। इतना नाश्ता भैया, क्या जरूरत थी यार? सऊदी अरब में ड्राइवर का रूम पहली बार देख रहा हूँ, ऐसा ऐसा कभी देखा है शीशा? ये तो मैं शीशा पहली बार देखा। और घड़ी देखिए, और ये 120 में चल रहे हैं अभी एजाज, 120 में मत जाइए एजाज, खतरा हो सकता है। 300 रियाल चाहिए। ये इनका बेड है, ये देखिए, और ये एसी है, और इस तरफ है टॉयलेट बाथरूम, ये देखिए इनका टॉयलेट बाथरूम ये है, इसी में नहाना इसी में धोना है। बहुत छोटा सीढ़ी है यार, ये लोहे का सीढ़ी, जीना बोलते हैं इसको। दिल लगा के लेटो बैठो, क्योंकि यहाँ तो काम तो है नहीं, खाली महीने से 2 दिन पहले पैसा मिल जाता है, और क्या चाहिए, इससे अच्छा तो भैया नहीं मिलेगा सऊदी अरब में। बहुत किस्मत वाले हो जो ऐसे जगह पे आए हो। इंशाल्लाह ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों भाइयों, मैं अब्दुल्ला और ये हैं एजाज। हम लोग नमाज पढ़ के निकले हैं जुमे की, तो इंशाल्लाह हम रियाज के रूम पे जाएंगे, हम लोग बात करेंगे, उनका इंटरव्यू भी लेना है, कब आए कैसे आए। वो 2 जुलाई को आए थे। हम लोग जा रहे हैं रियाज से मिलने के लिए। वैसे ही मैं सऊदी अरब आया हूँ अपनी छुट्टी मुकम्मल करके, वैसे ही मैं बीमार हो गया था। 1 हफ्ता तक मेरा बुखार नहीं उतरा, और नज़ला, बुखार, खांसी, हाँ कुबरी से लिफ्ट मारना है, कुबरी यानी ब्रीथ, ये देखिए। और 1 हफ्ता तक मेरा बुखार नहीं उतरा, यहाँ से गए ना है कर। मैं काफ़ी बीमार था, अभी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। और मैंने रियाज से कह दिया था कि मुझे ठीक होने तो भैया इंशाल्लाह मैं आके मिलता हूँ। और रियाज की कितनी सैलरी है, क्या है, कितना ड्यूटी है, ये सब अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। ये जो ब्रिज है, इस ब्रिज से लेफ्ट जाना है हमको। ये ब्रिज देखिए, अगर लेफ्ट जाएंगे तो सीधे बहरीन है, और राइट जाएंगे तो सीधे एयरपोर्ट है। ये राइट में दमाम एयरपोर्ट है, और लेफ्ट में खोबर बहरीन है। ये देखिए, ये सिग्नल खुल गया है, अभी हम लोग यहाँ से लेफ्ट जाएंगे, उसके बाद रियाज के रूम पे पहुंचेंगे इंशाल्लाह। अब मैं दिखाता हूँ तीनों, ये देखिए यहाँ का ब्रिज है, यहाँ के ब्रिज में भी पीओपी कर रखा है, देखिए माशाल्लाह। इधर कम पड़ जाए तो बोले मत, तीन एक का बना। ये देखिए, ये हम लोग खोबर जा रहे हैं अभी, ये खोबर के अंदर टाउन ब्रिज है, ये देखिए सुनम टाइप का छोटे छोटे से ब्रिज, इस तरीके के कम से कम 3 पड़ेंगे। ये देखिए, यहाँ की स्पीड लिमिट है अभी 80 है, अब यहाँ 80 के बाद अब यहाँ से 100 स्पीड की लिमिट हो जाएगी। ये देखिए, ब्रिज में पीओपी कर रखा है। इस ब्रिज से राइट जाएंगे तो रेलवे स्टेशन पड़ता है। ये कुएत की बिल्डिंग है, कुवैत के लिए बनाया गया था ये, इसका नाम है कुवैती बिल्डिंग। ये देखे रेलवे स्टेशन है, हम्माम का रेलवे स्टेशन। और हमारे फैज भाई जो है आए आजमगढ़ के हैं। फैज भाई, खास आजमगढ़ के हो आप? हाँ, गांव कौन सा है? मदारपुर। हाँ, मदारपुर जिला आजमगढ़। और ये तकरीबन 10 साल से हैं भाई? भाई जो है यहाँ 12 साल से हैं, दम्माम है। हाँ, इजाज को अब 13 साल हुआ है। ये दम्माम है,
वीडियो में फॉरवर्ड कर दूंगा ताकि आप लोग बोर ना हो, क्योंकि लंबी वीडियो हो जाती है तो कोई देखता नहीं है। 120 में चल रहे हैं अभी ये जहाज, 120 में मत जाइए जहाज, खतरा हो सकता है। 300 रियाल, 400 और 500 रियाल का फाइन आ सकता है भैया, आराम से चलिए। ये लेफ्ट जाएंगे इस ब्रिज से तो सीधा मीना पोर्ट जाएंगे, और राइट जाएंगे तो सीधा कतर, बहरी कतर और दुबई और क्या बोलते हैं अल हसा और रियाद, जद्दा मक्का तो जाएंगे। यहाँ से राइट जाना भैया, और ये है अलियोम पेपर यानी न्यूज़पेपर, ये बिल्डिंग नहीं, ये नहीं आगे वाली है, सॉरी हाँ सॉरी। और जो आगे वाली जो बिल्डिंग दिख रही है ये अलियोम न्यूज़पेपर की बिल्डिंग है, ये छोटी वाली है, देखे लिखा भी है अलियोम का मतलब आज का पेपर यानी आज तक नहीं आज का पेपर नहीं, जैसे इंडिया में है नहीं आज तक पेपर, आज तक न्यूज, तो उसी तरीके से आज की न्यूज। हाँ, और सऊदी में अलियोम है, सऊदी हुकूमत का है। हाँ, ये देखिए यहाँ की बिल्डिंगें देखिए, ये है सऊदी अरब, ये बिल्डिंग देखिए माशाल्लाह। हाँ, ये सब शोरूम है किया वगैरह का, ये अब्दुल्ला फहद कंपनी है कोई। इस सिग्नल से हम लोग राइट जाएंगे और इसके कॉर्नर पे ड्राइविंग स्कूल है, और ये बिल्डिंग देखिए और ये है सामने ड्राइविंग स्कूल, ये यहाँ दमाम का राका ड्राइविंग स्कूल यही है, जो सब ग्रिल लगा है, बाउंड्री बना हुआ है ये सब। और ये यहाँ की बिल्डिंग है देखिए, और राइट में सारे फोर व्हीलर की शोरूम वगैरह है, ये देखिए एमसी, टोयोटा, लक्सस, बीएमडब्ल्यू, वीडब्ल्यू, गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है, मलेटी वाला हॉस्पिटल इसको बोलते हैं। यहाँ पर मैं काफी आ चुका हूँ, काफी बार आया हूँ। रियाज पहाड़ी इलाके में बसे हैं, बता देना। हाँ, रियाज पहाड़ी इलाके में एकदम बसे हैं, और पहाड़ी था उसी पे। ये बिल्डिंग देखिए, कैमरा है देखिए, ये होलीडे इन होटल है, सिग्नल पे आ गया ना, सिग्नल से जस्ट राइट है। चलिए रियाज से मिल लूंगा, बेचारे बहुत परेशान है मुझसे मिलने के लिए कि अब्दुल्ला भाई एक बार आ जाइए प्लीज, अब बताइए ये सब रियाज आखिर मिलना क्यों चाहते हैं, देखता हूँ आखिर क्या बात है, एक तकलीफ। हाँ, देखता हूँ इंशाल्लाह, और रियाज से मिल के हो सकता है उनकी तकलीफ बिल्कुल दूर हो जाए, और कुछ समझाने लायक होगा मैं समझाऊंगा इंशाल्लाह। आराम से भाई जान के उतना है जितना है, बस यहाँ का कैमरा है, देखो ये पहाड़ी लगा भी, देखो चढ़ गया, देखो कितनी पहाड़ी सिक्का ऊपर आई थी, ये देखिए इतनी पहाड़ी इलाका है, सऊदी अरब का पहाड़ी इलाका, सऊदी अरब का पहाड़ बोल सकते हैं। और ये है मस्जिद, इसी मस्जिद में शायद ये पढ़ते हैं नमाज, ये गार्डन है, हर मस्जिद में लोग गार्डन बना के रखे हुए हैं। ये देखिए अब हम लोग चढ़ाई में चढ़ रहे हैं अभी, ये देखिए, अरे आराम से भैया, एक नंबर लगा लो, एक नंबर लगा लो भैया। ये है दोहा एरिया,
देखिए हम लोग कितना नीचे थे, ये देखिए ये रूम है इनका, ये है रियाज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह बरकात। और रियाज भाई भैया अल्लाह से प्रे ठीक ठाक हो? तो बड़े लग, कब आए आप? हम तो 11 तारीख को आए थे भैया, जब से मैं आया हूँ तब से बहुत काफी बीमार हो गया था। तुम्हारा जी अल्हम्दुलिल्लाह, तुम्हारा जो है ऑडियो मिला, ऑडियो ये ऑडियो है रियाज का, सुन लीजिए। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला भाई। अब्दुल्ला भाई क्या हाल है, आज छुट्टी से आ गए 11 अगस्त को, हमारे पास आप आए भी नहीं मिलने के लिए। अरे कम से कम आप आइए हमसे मिलिए, देखिए हमारा क्या हाल चाल है, हमारी कैसी कट रही है। आप 11 अगस्त को आप आए थे, हमसे मिलने भी नहीं आए, काफ़ी दिन हो गए इधर हम अकेले रहते, एकदम सन्नाटा पड़ा हुआ है। कम से कम आप आइए हमसे मिलिए, देखिए हमारा हाल चाल लीजिए, किस तरीके से हम रह रहे हैं। आप आइए हमसे मिलिए, हाल चाल लीजिए, ठीक है भाई? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी रिया, जब से आया हूँ मेरी तबीयत ख़राब थी, अभी कुछ आराम है, मैं अगले जुम्मे को आता हूँ, ठीक है भैया? बिल्कुल परेशान मत होना, और इंशाल्लाह अभी एक दो दिन और शायद लग जाएगा, थोड़ा बहुत गला बैठा हुआ है, इंशाल्लाह ठीक होती ही मैं आता हूँ मिलने के लिए। ओके, बिल्कुल भी परेशान मत होना। ओके अल्लाह हाफिज़। अरे आइए वो दिखा, इतना छोटा सीढ़ी है, बहुत छोटा सीढ़ी है यार, ये लोहे का सीढ़ी जीना बोलते हैं इसको। हाँ माशाल्लाह, रियाज का रूम, ये है रियाज भाई का रूम, इनका रूम है ये। ये देखिए गैस, ये देखिए ऑटोमेटिक गैस है, ये ऑटोमेटिक है भैया? ऑटोमेटिक। देखिए इसको पुश किया बंद, ये जल गया। और ये रहा वॉश बेसन, ये और ये कबोर्ड है, ये देखिए ये कबोर्ड, ये इनका रूम है, और ये कुर्सी है, और ये एसी है, और इस तरफ है टॉयलेट बाथरूम, ये देखिए इनका टॉयलेट बाथरूम ये है, इसी में नहाना इसी में धोना है। ये रहा डबल डोर का फ्रिज, ये देखिए अभी खाली है। हम लोगों ने रियाज भाई के लिए सामान खरीदारी करके, इन्होंने कहा था कि फला फला चीज कम है, तो मैंने ले लिया है। ये इनका बेड है, ये देखिए, और ये ऐसे खोलो, ऐसे बंद करो, और ये देखिए माशाल्लाह बहुत अच्छा है, बहुत। हाँ क्या बोला था, इतना सुकून कहीं नहीं जितना यहाँ सुकून। यहाँ से पहले वो बाहर देखो ना, बाहर का मजा खाली ब्रेक जी, अभी मैं दिखा रहा हूँ जी। फैज भाई ऐसा रूम कभी ड्राइवर का आपने देखा है इससे पहले? बहुत खूबसूरत है, देखा माशाल्लाह बहुत खूबसूरत चीज दी है भैया, हर चीज दी है, कोई ऐसी चीज नहीं इसमें नहीं दी। पीओपी लगा हुआ है, और देखिए शीशा वगैरह ये सब फोल्डिंग वाला, देखिए ऐसा कभी देखा है शीशा? ये तो मैं शीशा पहली बार देखा। और घड़ी देखिए, और ये इनकी अलमारी है, ये अलमारी देखिए कपड़े की अलमारी देखिए, ये है अभी कपड़े इन्होंने धुल के रखा हुआ है शायद, तो इसमें टांगेंगे बाद में। और ये देखिए कितना फैसिलिटी है, ये देखिए एंड्रॉयड टीवी है, और ये इनका कबोर्ड है छोटा सा, ये कबोर्ड है, ये इसमें दाल वगैरह है थैलियों में, और चाय पत्ती ये सब है। बहुत उम्दा, बहुत आलीशान रूम है। सऊदी अरब में ड्राइवर का रूम पहली बार देख रहा हूँ ऐसा। और ये देखिए, ये हम लोग अभी रियाज के रूम के ऊपर से दिखा रहे हैं बाहर का सीन। ये देखिए गाड़ी हमारी आगे वाली है, ये देखिए जी रियाज भाई।
जी भैया आलू है, आलू है, आलू ला दिया हूँ भैया, आराम से पकाओ खाओ। और अभी चलिए ये सब रख दो, उसके बाद अभी मैं आपका इंटरव्यू लेता हूँ। आलू है और प्याज वगैरह है, समोसा ला दिया हूँ भैया, खाओ पियो और खिलाओ। और ये वाला मत खोलना भैया, ये वाला इधर रख दो एक किनारे। जलेबी भी है? हाँ जलेबी भी है भैया। ये एग्जॉस्ट फैन है जो कि अंदर की गर्मी बाहर निकालता है, बहुत उम्दा है भैया, बहुत उम्दा। ये जीना है, ये जीना है, देखिए हम लोग इसी रास्ते से ऊपर आए थे। ये हम लोग रियाज भाई के रूम पे आए हैं। एजाज भाई ये रियाज का रूम है और ये मुझे घर पे मिलने आए थे। तो रियाज भाई ने फोन किया था कि वो आ रहे हैं मिलने के लिए, अभी शायद रास्ते में ही हैं। तो मैंने सोचा उससे पहले ही मैं अपना वीडियो शूट करने के लिए रेडी कर लूं। तो इंशाल्लाह शायद आ गए हैं। आइए जी रियाज भाई। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। आइए। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं भैया 20 को आया हूँ, आते ही मैं बीमार पड़ गया था, बहुत गर्म है। तो काम हो गया भैया? जी मैंने भी फोन किया था, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जल्दी काम हो गया। और जी जी टिकट देखा था, टिकट पे 2 तारीख का फ्लाइनास का है, 4:15 बजे की फ्लाइट है जी, लखनऊ जी इंशाल्लाह। तो हम भी अगले महीने इंशाल्लाह आ जाएंगे, तो अगस्त में वहीं पे आपसे मुलाकात करेंगे। और जैसा हो मुझे फ़ोन का व्हाट्सअप नंबर दे दूंगा, कोई भी प्रॉब्लम हो कोई भी परेशानी हो बताइए। अगर सैलरी कम दे रहा है तब भी बताइएगा, क्योंकि 1800 में बात हुई है ना। अरे तो बोला था बात नहीं, इंशाल्लाह 1800 रुपये देगा वो। और बिल्कुल बिल्कुल बेफिक्र होकर जाइए और इंशाल्लाह फील अच्छा है। और घर वाली जो मस्जिद है ईद वाले दिन वहाँ पर भी इनसे मुलाकात हुई थी, ये बोले थे कि 2 तारीख को मैं चला जाऊँगा, 2 अगस्त। मस्जिद मोहम्मदी के ये चेयरमैन है, जिम्मेदार, तो बहुत बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आपके ऊपर, बस अच्छे से निभाइए इंशाल्लाह। ओके जज़ाकअल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम। और ये इस तरफ वजू खाना है, हाँ ये वजू खाना है। और ये हमारे रियाज भाई भी मिल गए, वालेकुम सलाम। और भैया खैरियत है? कब आए थे यहाँ? अच्छा आपका इसी एरिया में घर है? अच्छा अच्छा, हाँ माशाल्लाह, चलिए अच्छी बात है, मुलाकात हो गई। आप तो 2 तारीख को जाने वाले हो ना? ये रियाज भाई हैं, 2 तारीख को जाने वाले हैं, मुझसे मिलने आए थे उस दिन, तो इनसे मुलाकात हुई माशाल्लाह, बहुत अच्छा लगा। और इनका वीजे का काम मैंने ही कराया है, अल्हम्दुलिल्लाह इनका काम हो गया है, 60,000 रुपये वीजा और स्टैम्पिंग का लगा हुआ है टिकट ले के, और मेडिकल इन्होंने खुद कराया। खैर सॉरी मस्जिद के अंदर मैं इसे वीजा की बात कर रहा हूँ। 2 अगस्त को आए हो? 2 जुलाई। 2 जुलाई को रियाज आए हैं, 2 जुलाई को। और 29 जुलाई को शायद बकराईद पड़ी थी, तो एजाज भाई रियाज भाई से मिलते रहिएगा, ये भी हमारे बहराइच नानपारा के हैं। तो कितने तारीख को आए, कितनी सैलरी है, और ये सऊदी का घर कैसा है, सही है नहीं है, और कितनी ड्यूटी है, और यहाँ अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, पूरा कंप्लीट आपसे सवाल है, बताइए। 2 जुलाई को मैं आया हूँ लखनऊ से धम्मा सऊदी जी, और 2-4 दिन अपने भाई के यहाँ रुका हूँ, उसके बाद यहाँ पे आया हूँ। आपका भाई का घर रूम कहाँ? धम्माम में, साथी में। अच्छा धम्मा में, साथी में आपके भाई का रूम है जी जी। उसके बाद अपने रूम पे यहाँ पे आए, फिर 1 महीना यहाँ पे कोई काम नहीं हुआ, खाली घर में थोड़ा बहुत साफ सफाई था जी, वही काम था जी। उसके बाद उसका महीना भी हमारा पूरा नहीं हुआ, उसने 2000 रुपये सैलरी दी है। 2000 रियाल? यानी बीच में ही आप? बीच में, पहले 500 दिया फिर 1500 दिया जी, माशाल्लाह। फिर महीना भी नहीं पूरा हुआ था, फिर उसके बाद वो सफर चला गया, फिर उधर से आया, उसके बाद थोड़ी बहुत ड्यूटी लगती है, मदरसा चालू है, 7:30 बजे होते हैं और 3:30 बजे लेके आते हैं, फिर वो संडे को उसको फुटबॉल वाला है, संडे को, मंगल को, खमीस को, 3 दिन है, बाकी दिन कोई कारण बुढ़ी कभी कभी निकलते हैं, निकलते कोई दिक्कत नहीं। और 5 दिन हो गए ना, अभी घर में पानी डाल रहा है, ना साफ किया, ना गाड़ी साफ किया है, टाइम नहीं मिला। 5 दिन से कोई काम नहीं किया? कोई काम नहीं, खाली लड़के को मदरसा छोड़ता हूँ, लेके आता हूँ, या फुटबॉल लेके आता हूँ, या फिर अपने लाइसेंस के लिए, या जो ATM है, बैंक का, इसी काम में फंसा। और सैलरी मिला? हाँ सैलरी मिल, सैलरी परसों ही मिल गया हमारे, 30 तारीख को।
अच्छा, तो सैलरी का फोटो जो है आप भेजिएगा, मैं इधर लगा देता हूँ, आप लोग देख लीजिए इनको सैलरी कितने तारीख को मिला है और कितना सैलरी मिला है। अब आप बता दीजिए कितनी सैलरी। सैलरी 1800 रुपये। 1800 रुपये सैलरी है। ये पहले आ चुके हैं दमाम में, ये यानी ये रिटर्न ड्राइवर थे, पहले दमाम में आ चुके थे, पहले भी मैंने ही बुलाया था, इस बार भी मैंने ही कोशिश किया, थोड़ा बहुत हेल्प जो भी मुझसे हुआ मैंने हेल्प किया, और माशाल्लाह बहुत अच्छा घर है, बहुत अच्छा कफील है, 1800 रुपये सैलरी है, 1800 का तकरीबन 38,000 के ऊपर ही बनता होगा शायद, अभी जोड़ेंगे तो 38,000 रुपये बनेगा, 18 × 36, हाँ 39,000 रुपये बनता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा घर है भैया, आराम से जो है लेटो बैठो बनाओ खाओ, और काम भी ज़्यादा नहीं है, इससे अच्छा घर सऊदी अरब में नहीं मिलेगा। क्यों जी बताइए, इससे अच्छा घर सऊदी अरब में मिल सकता है इजाज़? नहीं, इससे अच्छा तो नहीं है, यहाँ तो दिन भर आदमी दौड़ते, रात में 11-12 बजे तक के भी दौड़ा करते हैं, तब भी टाइम नहीं मिलता है, ना खाने के लिए ना पीने के लिए, फिर भी दौड़ा करते हैं। बेचना है तो आदमी थोड़ा बहुत तो झेलना ही पड़ेगा ना, बाहर आया है तो थोड़ा बहुत तो झेलना ही पड़ेगा। घर छोड़ने के बाद तो थोड़ी बहुत परेशानी आती है, लेकिन इनको काहे की परेशानी भैया? काहे की परेशानी, हम लोग हैं ना अकाउंटेंट, कौन सा दिक्कत है जी? हम हैं, इजाज हैं, मेरे दोस्त हैं, सब आते जाते रहते हैं इनसे मिलने के लिए, ताकि इनका दिल बहला रहे। अरे हम ही लोग आते रहते हैं, जुम्मे की छुट्टियाँ रहती है, हम लोग आते रहते हैं, घूमते रहते हैं। फैज है मेरा दोस्त, हम लोग साथ में घूमते टहलते आते रहते हैं, घूमते रहते हैं, इधर आए घूम के चले गए, इधर भी ड्यूटी लगती है तो भी आके आगे मिल के चले जाते हैं, खड़े जाए खड़े ही खड़े मिल के चले जाते हैं। ये लोग की ड्यूटी लगती है, फैज की, मेरा दोस्त है, ये भी आता रहता है, और भी हैं 2-3 लोग उधर के मेरे जानने वाले, वो भी आते हैं, मिलते रहते हैं, काहे की दिक्कत है, हम लोग हैं ना जी। अब बताइए, इतना अच्छा घर है भैया, और आराम से रहो, ये मत बोलना कि भैया दिल घबरा रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, भैया सब कुछ ये कहो कि 100% मिले, ऐसा नहीं हो सकता। हम लोग कोई ज़्यादा दूर नहीं है, मेरे यहाँ से इनका सिर्फ 15 किलोमीटर है, ओनली 15 किलोमीटर। ये है कि ये खोबर और दमाम के बीच में है, ये दोहा डिस्ट्रिक्ट में है, दोहा सऊदी अरब आरामको से मिला हुआ है, दोहा में ये रहते हैं, मैं तमाम कॉर्निश में रहता हूँ। तो इनको अगर कोई भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो ये बता देते हैं और हम लोग ख़रीदारी करके ला देते हैं, और क्या चाहिए इनको। और यहाँ पर बाजू में मस्जिद है, नमाज पढ़ना हुआ मस्जिद चले गए, बाजू में वो है क्या बोलते हैं, पार्क है, गार्डन है, बाजू में पार्क गार्डन है, वहाँ पर आराम से दिल बहलाए, झूले झाले, उसके बाद आराम से रूम पे आइए, और 2-4 ड्राइवर हैं शायद आजू बाजू में, अभी तक उनसे मुलाकात नहीं हुई। ड्राइवरों से मुलाकात हुई भैया? ड्राइवर से 1-2 बार मुलाकात हुई, बाकी उन लोगों का रूम घर के अंदर, उन लोग बाहर नहीं निकलते हैं जी, मतलब बाहर रूम नहीं, सबका रूम घर के अंदर है जी। इनका रूम घर से ऊपर है, लेकिन बहुत आलीशान रूम है माशाल्लाह, ऐसा रूम भैया, ऐसा रूम अल्लाह पाक सारे ड्राइवर को मिले यार, और क्या चाहिए। तो और आप कुछ कहना चाहते हैं? कुछ नहीं, ठीक है, अल्लाह का घर भी अच्छा है, सब कुछ है, बढ़िया है, सब लोग आते जाते रहते हैं, बस यही कि थोड़ा सा नाटा एरिया, आउट एरिया है, आदमी कम है, जो ड्राइवर होते हैं सिटी में, ड्राइवर नहीं है, बाकी जो ड्राइवर है उनके घर घर के अंदर है, बाहर नहीं है, वो जल्दी निकलते नहीं, मिलते नहीं, बस वही अकेलापन थोड़ा सा रहता है, कि कोई आदमी होता तो रूम पे आता जाता मिलता, बस यही दिक्कत है बस, बाकी सब कुछ अल्लाह का सही है, घर भी अच्छा है, कोई ड्यूटी ज्यादा खास नहीं है, बाकी कोई परेशानी नहीं है। कफिल माशाल्लाह बहुत अच्छा है। कफिल नहीं, मैडम है हमारी, कफिल नहीं। अच्छा हाँ, मैडम है इनकी, इनकी मैडम बहुत अच्छी हैं। खाने पीने की चीजें देखी? नहीं, खाने पीने शुरू में आए थे तो पूरा सा भरा था मेरा रूम, इतना सामान भरा था भाई जान, अगर 3 महीना आदमी कुछ बगैर लाए खाए ना तब भी खत्म नहीं होता, इतना भर के रखी थी कि मेरा ड्राइवर आने वाला। माशाल्लाह, पूरा फ्रिज भरा था, पूरा ये सब भरा, पूरा सब रूम में भरा था। अरे बड़ी वाली प्याज थी, कम से कम 3-4 किलो वाली, आलू था, नहीं कौन ऐसी चीज नहीं थी, और मैगी भी पूरा सामान भरा हुआ था, पूरा सामान, मैगी इतनी दी थी भाई जान, इनके आने से पहले सामान भरा था, फिर आए हैं तब इनको लेके गए, फिर बकायदो को सामान दिलाने के लिए जो भी कम बेसी था, फिर बाद में दिलाया है सामान। बताइए, जिस दिन हम आए उस दिन भी रात में मेरे बुढ़ी की अम्मा है, वो बकाले सामान सब लेके आई थी, ताजा ला के दिया था।
बाकी सब पूरा रूम भरा था हमारा तो सामान से। ये मैं फेक यानी ये मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ये रियाज की जुबानी है। ये बताइए इतना अच्छा फैसिलिटी अगर किसी को मिल रहा है तो बहुत नसीब वाला है। और रियाज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत नसीब वाले हैं। क्यों रियाज सही अलग तो आते ही वाईफाई दे दिए ने, तुरंत वाईफाई दिए ने, मस्त है, टीवी है, सब कुछ है। ये भी नहीं कि बोलना पड़े, तुरंत दे दिया वाईफाई नंबर ले लिया। फ्रीज देखिए, डबल फ्रीज यार किसको मिलता है यहाँ पे। ये रियाज चाय बना रहे हैं, इसमें क्या था भैया? ये दाल बना के रखे हुए हैं। अरे थोड़ा निकालो बाकी रखो। ये नाश्ता ये है, ये माशाल्लाह, ये नमकीन भरा हुआ। ये भैया ये तो वीआईपी यार, वीआईपी ड्राइवर पहली बार मैं ऐसा ड्राइवर देखा हूँ भैया, जो कि इतना अच्छा फैसिलिटी है। ये नाश्ता रेडी है, इतना नाश्ता भैया क्या जरूरत थी यार? नमकीन खा लेते सही हो। और कुछ मोबाइल वगैरह दिया कि नहीं? मोबाइल भी दिया है, टच वाला। देखें मोबाइल कौन सा? हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह, जरीर बुक ये मोबाइल है। अरे वाह, ये इसका डिब्बा है लिनोवो के 50। ये देखिए ये मोबाइल रियाज को मिला है कफिल की तरफ से, K15 लेनेवो का K15 है। और ये रहा मोबाइल, इसको चला रहे हो कि नहीं भैया? नहीं चला रहे हैं, उसी का फोन आता है बुड्ढे का। हाँ ये है मोबाइल। और सिम वगैरह? सिम भी दिया है। सिम और मोबाइल दिया है दोनों। ये जरीर बुक सऊदी अरब दम्माम, ये बताइए और क्या चाहिए? माशाल्लाह बहुत अच्छी किस्मत है भैया। ये रियाज का रूम है, रियाज है नानपारा बहराइच के। ये है सोफा सेट, माशाल्लाह बहुत अच्छा रूम है। तो यहाँ का बहुत अच्छा फैसिलिटी है, यहाँ का कानून व्यवस्था बहुत अच्छा है, और यहाँ खान पीन बहुत अच्छा है, साफ सुथरा है, यहाँ पर कोई गंदगी नहीं है, यहाँ पर बेहतरीन, यहाँ का बेहतरीन फैसिलिटी है। तो इसीलिए यहाँ पर आदमी तंदुरुस्त बना रहता है। तो बस यही है आज का। ठीक है फिर रियाज भाई, अब हम लोग निकल रहे हैं भैया। यार खातिरदारी बहुत अच्छी कर दी है, इंशाल्लाह फिर अगले हफ्ते मिलेंगे। ठीक है, बिल्कुल घबराना नहीं, हम लोग हर हफ्ते आते रहेंगे। तो एजाज तो चल रहे हैं भैया? हाँ चलो इंशाल्लाह, फिर आते जाते रहेंगे, अगले हफ्ते फिर आएंगे जी। बीच में फिर लगी ड्यूटी उटी तो आते जाते रहेंगे जी। तो ठीक है रियाज भाई, ठीक है इंशाल्लाह अगले हफ्ते आप आइएगा, और गेहूँ खाना पीना बना के रखेंगे, आप लोग आइए खाइएगा। अब खाने की क्या दावत यार भैया। तो वैसे ठीक है इंशाल्लाह, कोशिश करेंगे। हाँ कोशिश करिए, आइए, अकेले हैं, खाना बनाएंगे सब लोग मिलकर साथ में खाएंगे। हाँ हाँ जी इंशाल्लाह। तो ठीक है, हम लोग निकलने से पहले बता देंगे जी। या तो जुमेरात को रात को हम लोग बता देंगे। ठीक है जान, पहले बताइए कि थोड़ा सा ड्यूटी व्यूटी हो तो हम भी देख रख ले। जी जी जी, अब बिल्कुल परेशान मत होना इंशाल्लाह। ठीक है, एजाज है, मेरे दोस्त हैं, फैज हैं, मैं हूँ, और सब लोग आते रहेंगे जी। और बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है फिर, ओके आओ भैया, ओके अल्लाह हाफिज। हाँ और बिल्कुल घबराना नहीं भैया। चलो फिर अब हम लोग जा रहे हैं। चलो ठीक है इंशाल्लाह, ओके रियाज, ओके बिस्मिल्लाह। ये है जीना, देखिए कितना पतला जीना है, हम लोग इसी जीने से उतर रहे हैं। कैमरामैन जी जीना दिखाइए, देखिए कितना छोटा जीना है,
एक लोगों को उतरना समझ लीजिए कि भारी है। अगर मोटा आदमी हो तो ये उतर भी नहीं पाएगा। ये देखिए, ये रियाज का रूम है और एजाज के साथ में आया था रियाज से मिलने के लिए। चलिए चलते हैं फिर। ये है यहाँ का सीन, ये है दोहा, सऊदी अरब दम्माम का दोहा एरिया है ये। थोड़ा सा धुल लिए होगा। चलिए फिर यार, चल रहे हैं भैया, जा जाओ। जी रियाज भाई, घबराना नहीं भैया, इंशाल्लाह। बिल्कुल परेशान मत होना, हम लोग हैं जंगल में। क्यों एजाज? हाँ, हम लोग तो हैं, आते जाते रहते हैं, गाय की दिक्कत। जी तो भैया, दिल लगा के आराम से लेटो बैठो, दिल लगा के लेटो बैठो। क्योंकि यहाँ तो काम तो है नहीं, खाली महीने से दो दिन पहले पैसा मिल जाता है, और क्या चाहिए, इससे अच्छा तो भैया नहीं मिलेगा सऊदी अरब में। बहुत किस्मत वाले हो जो ऐसे जगह पे आए हो। इंशाल्लाह ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़। अभी हम लोग चल रहे हैं। चलो ठीक है, ओके ओके।